सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गैर कानूनी हिसाब से फुटपाथ पे लगाए गए दुकानों को हटाया गया। विगत दिनों से सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पर अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से फुटपाथ में लगाए गए दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को गुरुंग बस्ती 3 नंबर वार्ड के फुटपाथ पर भी बुलडोजर चलाया गया। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा केवल इसी स्थान पर ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्य सभी के लिए उपयोगी है? कहीं ना कहीं इन दुकानों से कई परिवारों का गुजारा चलता है, जबकि सिलीगुड़ी में जाम की समस्या भी एक मुख्य मुद्दा है। अनैतिक तरीके से फुटपाथ पर दुकान लगाने से न केवल जाम की समस्या होती है बल्कि रोजगार पर भी उसका असर पड़ता है। इस कदम में कई परिवारों के आजीविका के सूत्र प्रभावित हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो आइए बात करते हैं इसके नकारात्मक पक्ष की। रोजगार पर असर। इन दुकानदारों से जुड़े कई परिवारों के आजीविका का सूत्र समाप्त हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। जनता की नाराजगी। इस कदम से प्रभावित लोगों में नाराजगी और असंतोष बढ़ सकता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कदम शहरी यातायात व्यवस्था और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। हालांकि इस प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले दुकानदारों और उनके परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना भी आवश्यक है, इसलिए इस कदम को पूरी तरह से सही या गलत ठहराना मुश्किल है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही दिशा में प्रयास किया है।